गाइज मैं हूँ नरेन और आप लोगों को दिखाने वाले हैं हम आज गोल्डन टेम्पल, जो गोल्डन टेम्पल हाथी का ऊपर सवारी होकर आज पैलेस से निकालने वाला है, मतलब राजमहल से निकालने वाला है, जो मैसूरी का स्पेशल राजमहल है उसमें से आज गोल्डन पूरा सोने का बना हुआ एक टेम्पल निकलेगा। वो अभिमन हाथी का नाम है और इसका अभिमन का ऊपर सवारी होकर निकलेगा, साथ में बलराम है, वो देखने के लिए आज स्पेशल वीडियो है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हाथी का ऊपर जो एक मंदिर रखा हुआ है वो मंदिर आज ये पैलेस से निकलने वाला है, पैलेस मतलब राजमहल से निकलने वाला है। ये निकालने के बाद में पूरा वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा, हाथी का ऊपर हाथी को सजा उजा के दिखाऊंगा, आप लोगों को बहुत बढ़िया लगेगा और आप मेरे साथ बने रहेगा मेरे चैनल में। चलिए दोस्तों कितना भीड़ वाला इलाका दिख पा रहे और आगे में देखिए महल देख पा रहे, थोड़ा सा आगे में राजमहल है। ये देखिए कुछ मेरा फ्रेंड्स है, सब्सक्राइबर है, मिल गए तो हम उनको थोड़ा सपोर्ट कर रहे और पूरा दोस्तों आगे जाके आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाने वाला है। चलिए मेरे साथ बने रहिए, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बहुत भीड़ है, जाना बहुत मुश्किल है। आज मेला में मतलब ये बहुत दूर दूर से आदमी आए हैं, देखिए कितना भीड़ है। ये साथ में मेरा सब कुछ फ्रेंड है, फ्रेंड मिलके सब जा रहे हैं आज मेला देखने के लिए, सब तो मेला देखने के लिए जाएंगे दोस्तों। और मेला का मतलब मेन इम्पोर्टेंट है दोस्तों मेला नहीं है, वो जो पैलेस से जो सोने का मतलब एक ये है दोस्तों, मतलब मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, वो मंदिर निकलेगा आज हाथी का ऊपर, अभिमन्यु हाथी का नेम है दोस्तों, और अभिमन्यु हाथी का ऊपर से उठा के आज सवारी लेके निकलेंगे। और सब इधर में ही वेट कर रहे हैं कि आज देखे कि कैसा लगता है, और देखने के लिए साल में एक बार ही निकलता है जो मैसूर में दशहरे का मेला लगता है, तब और तब देखने के लिए सब तैयार होके आते हैं, हम भी तैयार होके आगे, वो आगे नहीं जा पा रहे, बहुत भीड़ है, लेकिन आगे तो मेरे को जाना ही पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को जो वीडियो में जो सोने का जो मंदिर है हाथी का ऊपर में उठा के मतलब निकलता है पहले से और पूरा मैसूर प्रोसेशन होता है वो दिखाने के लिए मैं आज स्पेशल वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ गाइज, मतलब मेरे को बस आप लोगों का थोड़ा मोटिवेशन चाहिए और कुछ नहीं। चलिए गाइज आगे चलते हैं, आगे ये धक्का मुक्की करके आगे जाना पड़ेगा, आगे जाके आप लोगों को दिखाना पड़ेगा कैसे हाथी का ऊपर लेके मतलब हाथी का ऊपर जो सोने का मंदिर है वो लेके कैसे चलते हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसा भीड़ भाड़ इलाका है, मतलब वो देखना बहुत भाग्य की बात होता है, सौभाग्य की बात होता है दोस्तों, मतलब हर किसी का नसीब नहीं होता है वो देखने के लिए, ये भगवान का कुछ कृपा है जिन लोगों को मतलब दर्शन होता है, मेरा भी भगवान ने बुलाया है लगता है, इसीलिए मैं भी उधर में आके ऐसा वाला वीडियो बनाने का मतलब कोई भगवान का मतलब कुछ आज्ञा मिला है इसीलिए मैं जा पा रहा हूँ, नहीं तो मेरे को भी जाना मुश्किल है। ये देखिए जो लाल वाला घर है वो मतलब ये कर्नाटक का कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम है, मतलब उन लोगों को एक एक लेके प्रोजेक्शन होते हैं, मेन तो है अभिमन्यु जो हाथी का नेम है दोस्तों, अभिमन्यु रखा गया है जो महाभारत का नेम से अभिमन्यु रखा गया है, उसी में मेन इम्पोर्टेंट है वो अभिमन्यु का ऊपर में जो मंदिर रखा हुआ है, जो पैलेस के राजा थे वो राजा ने मतलब बना के गए थे, और अभी वो हर दशहरा में वो प्रोजेक्शन होता है, बहुत आदमी होता है, श्रद्धालु आते हैं, देखते हैं, प्रणाम करते हैं, अपना कुछ मांग रखते हैं, बहुत मतलब आवेग से जुड़ा हुआ मतलब ये दशहरा का प्रोग्राम होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों मेरा पीछे में देख पा रहे, देखने के लिए ऊपर उठ के चढ़ के बैठा हुआ है लोग, और बहुत आदमी पेड़ का ऊपर भी चढ़ के बैठा हुए है, देखिए मेरा दोस्त दिख रहा है, मेरा सानी मेरे साथ में है और सानी भी हंस रहा है, पेड़ का ऊपर उठ के भी बैठा हुआ है बहुत आदमी, मतलब वो देखना दर्शन करना मतलब महापुण्य का काम माना जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और पेड़ का ऊपर कैसे आदमी बैठे हुए वो आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है गाइस, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मेन प्रोग्राम है वो दिखाते हैं। ये हमारे चाचा है महाराष्ट्र से आए हैं देखने के लिए, वो हमारे साथ बात कर रहे हैं, देखिए वो भी बहुत पुराना टाइम से आए हैं और आने के बाद में हमारे साथ ही बने रहे और हमारे साथ में मतलब मजाक हंसी मजाक करते रहे, हमारे साथ बात कर रहे इधर बैठ के, मतलब कैसे वो मतलब वो उन लोग का छोटा का टाइम में कैसे लेके जाते, बहुत पुराना का मतलब ये एक प्रोग्राम है दोस्तों, बहुत पुराना है, देख पा रहे हैं मेरा पीछे में बहुत आदमी है, चाचा भी हमारे साथ बात कर रहे हैं, बहुत टाइम बात करके बिता रहे हैं, मतलब सब वेट कर रहे हैं वो, मतलब वो टाइम कब आए और हम लोग आग भर के देखे, इसीलिए मैं भी समझा आज मेरे भी उधर जाना पड़ेगा और वो वीडियो बना के आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करना पड़ेगा, शेयर करना मतलब आप लोग को दिखाना पड़ेगा दोस्तों, ये मेरा मेन मकसद है। ये देखिए और कुछ ये लाल वाला और थोड़ा हरा कलर वाला कुछ दिखाई दे रहा है, बहुत दूर से मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, पूरा दिखा नहीं पा रहा हूँ, मतलब आगे जा नहीं पा रहा हूँ, ये एक सर्कल है मैसूरी का जो आरसू रोड में पड़ता है, आरसू रोड का सर्कल है, बस स्टैंड से थोड़ा आगे ही है, थोड़ा सा आगे ही है सर्कल, वो सर्कल आज सर्कल में दूसरा दिन तो बहुत
मतलब फाका रहता है, आज बहुत भीड़ होगी। ये देखिए पेड़ का ऊपर में कैसे आदमी चढ़ा हुआ है, बहुत आदमी चढ़ा हुआ है। कुछ बादाम बेच रहे हैं, कोई संतरा बेच रहे हैं, कोई शरबत बेच रहे हैं, मतलब बहुत कुछ जूस बेच रहे हैं। एक फ्रेंड्स देखिए मेरा ऊपर से हाथ दिखा रहे, मुँह तो मुँह में मुगस लगा दिया पूरा बंद करके। देखिए उसके साथ में भी एक उसका भाई है और इधर बैठ के पेड़ का ऊपर चढ़ के देख रहे हैं। मतलब वो कभी हाथी का सवारी जब आए दोस्तों, मतलब बहुत बढ़िया लगेगा देखने के लिए। वो सोने का सवारी है, मतलब आप लोग देखोगे तो चक जाओगे दोस्तों। इतना आदमी देखिए बैठे हुए है आँख लगा के, मतलब सबका मतलब एक ही मकसद है कि वो जब आए उस समय सोने का जो मतलब भगवान का जो मंदिर लेके तब देखे और उन लोग का मन मनोकामना पूर्ण हो जाए, यही आश आस लेके बैठे हुए सारे आदमी। हम भी इधर आए, देखिए सारा आदमी इतना भीड़ भाड़ इलाका है, सारा आदमी ऐसा ही बैठा हुआ बस एक झलक देखने के लिए। मैं भी दोस्तों मेरे साथ थोड़ा सा आप लोगों को बैठना पड़ेगा और ये झलक देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे को भी आगे जाना है, आगे जाके आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। ये देखिए मेरे पीछे में बहुत सारे, देखिए बहुत सारे दूर दूर से आदमी आए हैं, सभी आके इधर आके देख रहे हैं और आगे जाना है। मैं भी इधर जब आके भीड़ भाड़ इलाके में कैमरा करना भी मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन मेरे को तो करना ही पड़ेगा। ये देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है, देखिए बस एक झलक देखने के लिए। आप देखोगे तो मतलब इतना अच्छा लगेगा देखने के लिए। वो टाइम के लिए मैं भी बैठा हूँ, देखिए तंबू का साइड में ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। ये देखिए कुछ रॉड का ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, मतलब देखना ही है, कैसे भी देखना है सब अपने ये लगे। कोई कोई 10 रुपया लगा के ये कुछ कुछ बिल्डिंग का ऊपर में आदमी जो पब्लिक है इस साइड का बिल्डिंग है, उन लोग 10 रुपया लगा के भाड़ा ले रहे हैं। मतलब वो एक देखने के लिए बस 10 रुपया कोई दे रहा है, 10 रुपये के बाद बात बड़ी नहीं है। लेकिन वो जो मतलब सोने का जो ये लेके भगवान का मंदिर लेके जो निकलेंगे हाथी का ऊपर से, वो देखना मेन इम्पोर्टेंट है। पैसा जाए जाए अपना, मतलब ये एनर्जी जाए आदमी को, बहुत गर्मी से उधर बैठे हुए तांबू लगा के बैठे हुए। ये देखिए दोस्तों टाइम आ गया, और ये देखिए आगे में कुछ सैनिक जा रहे हैं घोड़े का ऊपर बैठ के, और इसमें देखिए एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी है, बुलेट प्रूफ गाड़ी है। और पीछे में देखिए दोस्तों जय गोविंदा सब बोलेंगे दोस्तों, वो देख पा रहे हैं आप लोग उधर। ये देखिए अभिमन्यु हाथी जो नाम बोला हुआ है, साइड में जो हाथी है उसका नाम बलराम रखा गया है। और उनका ऊपर में जो देख पा रहे हैं दोस्तों, देखिए अभी टाइम है, देखिए वो दूसरा टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये टाइम है और प्रणाम करने का टाइम है, भगवान का बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये सोने का पूरा सा सवारी है और भगवान का मंदिर का ऊपर लगा हुआ है। ये बहुत पुण्यवान को इसको मिलता है देखने के लिए, जो भगवान का आशीर्वाद मिला है जिनको देखने के लिए। ये देखिए आग भर के देख लीजिए और एक प्रणाम जरूर दोस्तों को जरूर कर लीजिए। बस दोस्तों आगे, बस दोस्तों देख लिए, मैं भी आ गया, बहुत थक गया दोस्तों आज ये करके। और वीडियो लंबा नहीं किया, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगा होगा, ज़्यादा बोरिंग फील होगा। मैं दोस्तों का बैठा हुआ सारा दोस्तों देखिए, पूरा आदमी का मन पूरा खाला हो गया। मतलब उधर से आ रहे ना, ये भी आसानी है, मेरा दोस्त हंस रहा है अभी, सब गाँव जाने का चैनल दोस्तों। एक जाते जाते मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों जरूर।